अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो हमारी हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करने वालों के लिए एक ख़ास गिफ्ट है। बहुत से व्यूअर्स ये सवाल करते हैं और पूछते हैं अक्सर कमेंट करके भी कि क्या हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक ही सर्फ़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाई है कि एक ही सर्फ़ को यूज़ करते हुए आप 2 से 3 बार किस तरह से इसमें कपड़े वॉश कर सकते हैं। जिस तरह से मैनुअल मशीन में या सेमी ऑटोमेटिक मशीन में आप एक ही सर्फ़ को यूज़ करते हुए बार बार कपड़े वॉश कर लेते हैं, इसी तरह से आज की वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप बटन ख़राब किए बगैर और मशीन को रोके बगैर किस तरह से एक ही सर्फ का यूज़ कर सकते हैं 2 वॉशिंग के लिए। तो सबसे पहले ये देखिए, मशीन बिल्कुल खाली है। अब इसके अंदर मैं कपड़े ऐड करूँगी। मेरे पास 2 स्टेप्स में कपड़े हैं। एक मैंने बहुत साफ़ कपड़े सेपरेट कर लिए थे और जो थोड़े से मैले कपड़े हैं वो मैंने अलग कर लिए हैं। अब जो बहुत ही साफ़ कपड़े हैं वो थोड़े थोड़े करके खोल कर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स आमतौर पर ये भी कहते हैं कि हमने अक्सर वाइट कपड़े ही वॉश करने होते हैं, तो जब वो सर्फ़ वेस्ट होता है, डिटर्जेंट वेस्ट होता है, तो फिर बहुत ही बुरा फील होता है कि उसी सर्फ़ में दोबारा से भी कपड़े वॉश किए जा सकते थे। तो अगर आपने सिर्फ वाइट ही कपड़े वॉश करने हों तो आप उस सर्फ के बाद उस सर्फ़ को यूज़ करते हुए दूसरे कपड़े भी वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ जो ज़्यादा साफ़ कपड़े थे वो मैंने डाल लिए हैं। ये मिक्स ही हैं, कुछ वाइट भी हैं और कुछ कलर्ड भी हैं। देखिए, उतने ही कपड़े लिए हैं जितने मैं रूटीन में इस मशीन में वॉश करती हूँ। अब इसमें मैं सर्फ ऐड कर रही हूँ। सर्फ मैंने 1.5 कप ऐड किया है क्योंकि इसको मैंने 2 दफ़ा यूज़ कर लेना है, इसलिए इसका मिसयूज़ नहीं होगा। सर्फ मैं डायरेक्ट ही इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब इसके बॉक्स में सर्फ डालते हैं तो वो जम जाता है साइड पर। तो अब यहाँ पर मैंने इसे नॉर्मल फंक्शन पर रखा है। ये देखिए, वाटर लेवल 6 है तो मैं इसको 8 कर लूँगी। कपड़े चूँकि ज़्यादा हैं और वॉश टाइम 15 है, इसको हम 20 कर लेंगे। 20 में अच्छे से ये वॉश हो जाएंगे। उसके बाद रिंस टाइम है तो इसको हमने 0 करना है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रिंस टाइम भी 0 हो और रिंस टाइम भी 0 और स्पिन टाइम भी 0। इन दोनों को ये आपने ज़हन में रखना है क्योंकि कोई ख़ास हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है और कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है जो आपकी समझ में ना आ सके। इन दोनों को 0 करने के बाद ये टोटल टाइम बना है 23 मिनट्स। अब ये 23 मिनट्स में कपड़ों को अच्छे से वॉश कर देगी और पानी जो है ये इसके अंदर ही रहेगा क्योंकि हमने स्पिन टाइम और रिंस टाइम को 0 किया हुआ है। अब आप जो भी काम करना चाहते हैं, अपने किचन में करना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है कि मशीन का पानी निकल जाएगा या आपको इसके सर पे खड़े होने की कतन ज़रूरत नहीं है। 23 मिनट्स के बाद मशीन विसल देकर खुद ही बंद हो जाएगी। ये देखिए, 9 मिनट्स रिमेनिंग हैं, काफ़ी झाग भी बना हुआ है और ये कपड़े अच्छे से खुले पानी में वॉश हो रहे हैं। ये मैंने आपको दरमियान में दिखा दिया है, किसने पानी निकाला भी नहीं है। अब ये 23 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, कपड़े वॉश हो गए हैं, रिंस और स्पिन नहीं हुए हैं, पानी इसके अंदर ही है। तो अब हम इसको ओपन करके ये कपड़े जो हैं निचोड़ कर निकाल लेंगे। कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ लें, जिस तरह मैनुअल में ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में निचोड़ के निकालते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये कपड़े आपको हैंड से वॉश करने पड़ेंगे, ये कपड़े दोबारा से इसी मशीन में वॉश होंगे ऑटोमेटिकली। बस यहाँ जो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी वो यही है कि इनको आपने स्पिन निचोड़ के अच्छी तरह से तो बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने सारे कपड़े निकाल लिए हैं। अब ये साफ़ कपड़े हमारे पास हैं। अब और ये पानी भी खासा साफ़ है, चूँकि कपड़े ज़्यादा मैले नहीं थे, तो अब इसी पानी के अंदर मैं और कपड़े ऐड कर रही हूँ। जितने कपड़े मैंने फ़र्स्ट टाइम में ऐड किए थे उतने ही कपड़े मैं सेकंड टाइम में भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। तो चूँकि सर्फ काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ऑलरेडी था तो मैंने सर्फ और ऐड नहीं किया। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा सर्फ और भी ऐड कर सकते हैं। कपड़े हमेशा खोलकर ही इसी तरह डालने चाहिए, गठड़ी सी बन जाए तो वो अच्छी तरह से सफाई नहीं होती उनकी।
अब इनको थोड़ा सा दबा दें। अब दोबारा से मशीन की सेटिंग करेंगे। नॉर्मल पे फिर हमने रखा है वाटर लेवल, हमें वाटर नहीं चाहिए क्योंकि मशीन के अंदर पानी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको हमने वन पे करना है। वॉश टाइम, अब इन कपड़ों को धोना तो है तो 20 मिनट हम वॉश करेंगे पूरे ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं, तो इसको हम 20 पे ले जाएंगे। रिंस, 2 टाइम रिंस लगाना है, फिर ये पानी और लेके इसको रिंस करेगी। और स्पिनिंग का टाइम 5 मिनट्स लगा दिया हमने। ये सारा दोबारा से चेक कर लें, ये सारे मिनट। और अब मैंने इसे ऑन कर दिया है। 46 मिनट टोटल हुए थे, ये दरमियान में मैंने दिखाया 33 मिनट पे। अभी चल रही है ये 30 पे। ये इसी तरह से वॉश करती रहेगी। और ये हमने चूँकि स्पिन भी ऑन किया है, स्पिन का बटन 0 पे नहीं है अब की बार, तो ये स्पिन करके पानी निकाल के कपड़े साफ़ सुथरे करके अच्छी तरह से ड्राई करके फिर ये बेल दे देगी, तो फिर आपने कपड़े निकाल लेने हैं। इन कपड़ों को निचोड़ कर निकालने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, ये वाले कपड़े जो हैं सेकंड टाइम जो हमने ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से धुल चुके हैं और स्पिन भी हो गए हैं। इनको जस्ट आपने निकालना है और फैला देना है। अब हमारे पास मशीन खाली है, साफ़ सुथरी मशीन। अब हमने जो कपड़े पहले वॉश करके निचोड़ कर निकाले थे वो इसके अंदर ऐड करने हैं। ये देखिए, ये कपड़े में थोड़े थोड़े करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसकी सेटिंग देखिए, ये सारे जितने भी फंक्शंस हमारे पास हैं, अब हमने अपनी मर्ज़ी से सेटिंग नहीं करनी, जस्ट हमने इसको क्विक पे ले आना है। क्विक का जो फंक्शन है वो 10 मिनट लेता है। और आपने ख़ास क्या रखना है कि लाइट ब्लिंक ना कर रही हो, लाइट स्टेबल हो, क्विक पे हो। इसमें 3 वाटर लेवल होता है और 3 मिनट ही ये वॉश करती है, 1 टाइम स्पिन करती है और 2 मिनट में ये ड्राई करती है। दोबारा से चेक कर लें ये सारी चीज़ें, वॉश टाइम, रिंस टाइम और ड्राई। अब हम इसको ऑन करेंगे, ये 10 मिनट्स हैं। अब 10 मिनट पे हम इसको दोबारा से ऑन कर देंगे क्योंकि ये कपड़े धुल चुके हैं ऑलरेडी, तो बस इनको मशीन पानी लेकर जस्ट हिलाकर अच्छी तरह से वॉश कर देगी और स्पिन भी कर देगी। लीजिए, ये कपड़े भी अच्छे से वॉश हो चुके हैं उसी सर्फ को यूज़ करते हुए, हमने इनको भी वॉश कर लिया। तो आप भी इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, यकीनन ये ट्रिक आपके लिए नया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।